सरबत खालसा टीम की तरफ से आज फरीदकोट के खालसा दीवान गुरुद्वारा साहब में एक विशेष मीटिंग की गई, जिसमें अकाली दल श्री अमृतसर के प्रधान सिमरजीत सिंह मान और सरबत खालसा द्वारा स्थापित करे गए जत्थेदार की तरफ से भाग दिया गया, जिसमें यह फैसला लिया गया कि 17 जुलाई को भाई भक्ता से एक विशाल रोष मार्च निकाला जाएगा, जो कि बाजा खाना में होता हुआ बरगाड़ी तक पहुँचेगा। इस समय सरबत खालसा टीम की तरफ से इस बात पर दुख प्रकट किया गया कि बरगाड़ी में श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के बेअदबी मामला एक साल के करीब हो गया है, परंतु पुलिस हल्के पर सही दोषी तक पहुंच नहीं कर सकी और ना ही पुलिस की गोली के साथ शहीद हुए दो सिंह और अनेकों जख्मियों के दोषियों को नामजद नहीं कर सकी, जिसके रोष के तौर पर यह मार्च निकाला जा रहा है। फरीदकोट से गुरजीत रमाणा। और असि पूछना चाहते हैं कि सरकार कित्थे है, जां सरकार केड़ी चीज का नाम है, सरकार का काम की है। सानू बड़ा दुख है कि कुरान शरीफ की बेअदबी हुई, असी भी उन्होंने दुख के हार का नारा मारिया, पर वह दोषी तो दो दिन तिना दिन फड़े जाते हैं, साढ़े क्यों नहीं फड़े? सानू जवाब कौन दूगा कि सिखा वास्ते डांग बनी है जां सिखा वास्ते जेलां बनी है? सिखा नू मार देना, इन्हों नू दबा देना? असी इंसाफ चाहते। दो तरीका साढ़े तो भाई भगते दियां पुलिस ने प्रशासन ने लिया कि असी दोषी नेड़े पहुँच गए, असी फड़न वाले हाँ, तो असी दित्तियां। हाले भी 17 तरीक तक इन्हां दे कोल मौका है, असी कहने उन्हां नू फड़ो, लोगों के सामने लियो। साढ़े जिहड़े जख्मी दिल ने इन्हां दे उत्ते थोड़ी बहती मलम लगे। जे सरकार साडियां गिरफ्तारियां जां संगत नू तंग परेशान करे, फिर आने वाले समय के असी यदा पूरा जवाब देवे, वो भी शांतमई ढंग के नाल। असी पूरे का पूरा पंजाब हरियाणा राजस्थान जिहड़ा एक लहर बना के तोर देंगे, जिहदे अगे ना सरकार टेक सकूगी, ना कोई एजेंसी, ना पुलिस, किसी ने नहीं खड़ना। फिर जिहड़ी जेता वह खालसा पंथ की होगी। इस करके सानू इंसाफ चाहिए, सानू इंसाफ दिओ कि सानू कतलों के गुनाहगार जिहड़े उन्होंने सजावं चाहीदियां, ते पूरी कौम कहिंदी आ और असी भी यही कहने कि जिहड़े कातल ने उन्होंने सजावं मिलनी चाहिए। वो चाहे सरकार दोषी है, चाहे कोई अफसर दोषी है, पुलिस दोषी है, कोई भी दोषी है, तो यह जो मुआवजा ये तो एक हमदर्दी तौर पर देना चाहिए। तो ये कोई 10-20 लाख नहीं, सगो यह करोड़ों के देना चाहिए, जिन्हों परिवारों के जी चले जाते, जो उन्होंने घाटा पैंदा ये तो उही परिवार जानते हैं। जेकर शराब पी के सरहद टप्पी सरबजीत सिंह पाकिस्तान च मारिया जाता, सानू हमदर्दी है इंसानियत नाते उस दे नाल, पर उसका परिवार कहिंदा कि वह शराब पी के टप्पिया, तो वह वापस जेकर उसकी लाश आती है तो बादल उसनू कौमी शहीद कहिंदा, तो 1 करोड़ का मुआवजा तो परिवार को नौकरियां दिंदा। कि जिहड़े गुरु ग्रंथ साहब के पिछे शहीद होए आ, वो सरकार की निगाह च सरबजीत नालों भी माड़े आ। देखो समुचिया सिख जथेबंदियां समुची कौम नूं असीं सद्दा दिता, ये किसी पार्टी का नहीं है, समुचे सिखां दा सतकारयोग सिंह साहिबाना ने सद्दा दिता गुरबाणी की बेअदबी के रोस वजों। तो ये भगता भाईका तो शुरू होकर सवेरे 9 बजे पाठां दे भोग पैणगे और 9 बजे आरंभ होकर बाजा खाना तो बरगाड़ी उस मेन रोड के उत्ते जाएगा। रस्ते जिहड़े नगर आउणगे बड़ी अमन शांति नाल कालियां झंडियां ला के कारां दे उपर और बैनर ला के, सानू बेअदबी दे दोषियां की गिरफ्तारी चाहिए, इंसाफ चाहिए।